माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो कुमारी आरती राव अटेली से चुनावी मैदान में और जीत हासिल करती हुई नजर आई थी और बता दें कि अब मंत्री पद के रूप में शपथ ले रही हैं। आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया नायब सिंह सैनी के साथ अनिल विज, आरती राव, श्रुति चौधरी, महिपाल डांडा, विपुल गोयल, ये तमाम ऐसे नाम जो सरकार चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कृष्णलाल पवार ने, राव नरबीर सिंह ने शपथ ले ली है और फिलहाल आरती राव जो अटेली से चुनावी मैदान में थी उन्होंने हाल ही में पद और गोपनीयता की शपथ ली।